देखिए, हम सभी जानते हैं कि इंडिया से काफी बच्चे एमबीबीएस करने बाहर जाते हैं, पिछले 20 सालों से जा रहे हैं और काफी कंट्रीज में जाते हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री चाइना हुआ करती थी कोविड आउटब्रेक से पहले। और सबसे ज्यादा शायद परेशानी भी उन्हीं बच्चों को हो रही है जो चाइना गए थे, क्योंकि पिछले 2 साल के बाद तकरीबन सभी कंट्री ने खोल दिया है, बच्चे वापस चले गए पढ़ने चाइना के अलावा। सो चाइना में जो बच्चे गए थे पिछले 2-3 साल में, उनको अभी तक वो इंडिया से ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं। और हमारे भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फोर्थ ईयर में आ गए हैं, फिफ्थ ईयर में आ गए हैं और वो एक तरह से ऑनलाइन प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आई फील रियली बैड और मैं उनसे सॉरी ही बोलता हूँ कि देखिए, हम नहीं जानते थे कि कोविड नाम की बीमारी आ जाएगी और चाइना ही डिसाइड करेगा कि हम इस तरह से एक्शन लेंगे। लेकिन हमने भी बहुत कोशिश करी, सबने बहुत कोशिश करी और उसकी वजह से ये देखिए, एम्बेसी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है eoibeijing.gov.in और सबकी डिमांड पे इन्होंने डाल दिया है। देखिए, अब इसमें क्या होता है, काफी बच्चों ने ना ऑलरेडी चाइना से ट्रांसफर ले लिया है, तो गवर्नमेंट देखना चाह रही है कि फिलहाल कितने बच्चे हैं जो अभी भी चाइना वापस जाना चाहते हैं। और अगर सब्सटेंशियल नंबर होगा तो फिर हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल टेक अप दिस मैटर सीरियसली विद द चाइनीज अथॉरिटी। इसलिए होम पेज पे आपको ना ये बटन नजर आ रहा है, रिटर्न ऑफ इंडियन स्टूडेंट टू चाइना, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म नजर आ रहा है, प्लीज भरिएगा। परसों 8 मई लास्ट डेट है। इसका सिर्फ पर्पज ये है कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग हैं जो कि वापस जाना चाह रहे हैं और उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी। तो ये मैंने फिर से कहा, 5-7 दिन पुरानी न्यूज है, मैं थोड़ा बिजी था। तो आप अपना बहुत सिंपल, आपसे पूछा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और बेसिक 10-12 जानकारी देखिए, आप किस साल आपकी एजुकेशन खत्म होने वाली है। तो ये बड़ा सिंपल गूगल फॉर्म है, कोई आपको डाउट है ईमेल नेम आपका, चाइनीज में कैसे नाम लिखते हैं आप अगर वो डिफरेंट है तो, जेंडर क्या आपका, पासपोर्ट नंबर, किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे, ओके बिजली, इसमें आपको नाम अपने इंग्लिश में लिखना है, तो वो टेंशन की बात नहीं है। और हम सब एमबीबीएस ही कर रहे हैं, मोस्टली कोई शक की बात ही नहीं है। क्या ग्रेड अभी आपका चल रहा है, किस साल में आपकी पढ़ाई खत्म होने वाली है, एक्सपेक्टेड क्या है और किस प्रोविंस में आपका कॉलेज है, दैट्स इट। ये सब आप भरिए, हम सब सेल्फ फिनांस वाले लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना नंबर डालिए, वैक्सीनेशन हम ले चुके हैं, सारी वैक्सीनेशन की डेट्स डालिए और भरिए फॉर्म, सबमिट कीजिए। पर्पस यही है कि जितने फॉर्म पहुंचेंगे गवर्नमेंट के पास उतनी हेल्प होगी गवर्नमेंट को हमारा केस पुश करने के लिए कि आप प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को वापस बुलाइए ताकि वो लोग ढंग से अपनी प्रैक्टिकल एजुकेशन ले सकें। डेफिनेटली फॉर 2022 बैच एंड फ्यूचर, आई थिंक अभी हमें चाइना के बारे में सोचना चाहिए एज अ डेस्टिनेशन। देर आर मेनी अदर ऑप्शन अवेलेबल। सो इसी वीडियो में मैं 2022 के बच्चों को भी कहूंगा कि आप चाइना मत सोचिए, कुछ भी और सोचिए। और हम एमबीबीएस अब्रॉड में तकरीबन हर अच्छी जगह भेजते हैं स्टूडेंट्स को, तो जो 2022 में हमारी सर्विसेज लेना चाहता है टू गो टू अ राइट कॉलेज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, अगर हम इंडिया को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इंडिया में हमें सीट नहीं मिल रही, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस 9603362320 पे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।